बहुत अच्छा लगा। इसका साथ अगर आचार होता बहुत अच्छा होता। आपको टोटा दी खिचड़ी कैसा लगा? अच्छा लगा। और आप लेना चाहोगे? जरा कॉलिंग करके बताओगे? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो इकरामुल, आपको कैसे लगा खिचड़ी? बहुत ही अच्छा हुआ, वेरी टेस्टी फूड। और भी घर पे ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा। और ये जो वेजिटेबल्स आलू मटर के जो आप मसाला राइस खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, कैसे लगा टोटली आपको? टोटली धमाल। फिलहाल मतलब इसका टेस्ट कैसे लग रहा है? जैसे कि नॉन वेज जैसे लग रहा है या वेजिटेबल जैसा लग रहा है? तो वेज, लेकिन नॉन वेज से भी ज्यादा टेस्टी फूड है। ए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, तो आप बताइए कि आपको राइस के साथ जो मसाला राइस लिया इसको आपको कैसे लग रहा है? अरे बाल 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 हम पढ़ना। ये मेले आदमी है, ये नहीं बताते। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मसाला राइस। तो मसाला राइस के लिए सबसे पहले हमने ग्रीन पीस निकल के रख लिया। 2 किलो तक ग्रीन पीस है और साथ साथ 2 किलो तक आलू, और ये रहा 1/2 किलो चने की दाल उबला हुआ, साथ साथ एक खड़ा गरम मसाला। इसमें ब्लैक इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, ग्रीन इलायची, काली मिरी, लौंग, A to Z है। साथ साथ है हमारे पास 1/2 किलो बारीक कटी कांदा और 200 ग्राम तक टमाटर बारीक कटा हुआ, तो सुपर फाइन चॉप कटिंग कटा हुआ है। तो ये आलू हो गए, साथ साथ इसके साथ नीचे सब मटर है। तो चलिए देखो शुरू कर देते। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हमने तेल कढ़ाई में तेल डाल चुका हूँ और इसमें डाला हुआ है सनफ्लावर ऑयल। साथ साथ सबसे पहले डालेंगे खड़ा गरम मसाला को, इसके साथ डालेंगे 1 बाटी जीरा, तो साथ साथ डालेंगे बारीक कटा हुआ कांदा, तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कांदा हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ा ब्राउन होने देंगे। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कांदा ब्राउन हो चुका है। अब हम डाल देंगे जो बारीक चॉप कटा हुआ टमाटर से, टमाटर को डाल देंगे। इसके साथ साथ उसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू और मटर। मसाला हमारा ब्राउन हो चुका है चॉप मसाला। अब चॉप मसाला में डाल देंगे आलू और मटर को। ये हमारा आलू और मटर, तो सारे आलू और मटर सबको हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं। तो ये आलू मटर हमने पूरा डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह सॉटे करेंगे, उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो आलू और मटर का हमने थोड़ा सॉटे कर लिया 50%। इसके बाद इसमें डालेंगे नमक 2 बड़ा टेबल स्पून, जितना चाहिए क्वांटिटी के हिसाब से। 2 बड़ा टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 बड़ा टेबल स्पून हल्दी पाउडर,
गरम मसाला पाउडर एक टेबल स्पून, धनिया पाउडर एक टेबल स्पून, जीरा पाउडर एक टेबल स्पून, डालेंगे ढेर सारा धनिया, साथ ही साथ डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट दो बड़ा टेबल स्पून। इसके बाद इसको अच्छी तरह सौते कर लेंगे, इस तरह मसाला को मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करने के बाद उसे डालेंगे चना का दाल, जो उबला हुआ चना का दाल है इसको भी हम डाल लेंगे। सबको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको डाल देंगे राइस। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो मसाला अच्छी तरह पक रहा है, थोड़ा इसको हम अच्छी तरह सॉटे कर देते क्योंकि हमारे बासमती राइस है वो तो चलते पक जाएगा, उसको पकाना नहीं है। जैसे कि ये पक चुका है, आलू भी हमारा थोड़ा थोड़ा और कच्चा नहीं है, मतलब पक चुका है, पलटे से काटे जा रहा है, मतलब हो चुका है। आप इसमें डाल देंगे थोड़ा बरिस्ता फ्राई, साथ ही साथ राइस को डाल देंगे इसमें, कम से कम 2 किलो राइस। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसके बाद इसे डालेंगे पानी। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो इसमें हमने पानी डाल दिया और पानी के साथ साथ राइस, मसाला और ग्रीन पीस, चने के दाल, ये सब को एक साथ दम करने के लिए छोड़ देंगे। इसको बस आप डालेंगे ढक्कन। तो ये हमारा मसाला राइस पक रहा है। जैसे कि मसाला राइस कह सकते हो आप लोग, वैसे मसाला खिचड़ी भी कह सकते हो, खिचड़ी राइस भी कह सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, अगर 2 किलो राइस है और हमारे पास 2 किलो पोटैटो डाला, साथ साथ ग्रीन पीस, जो मटर छोटे आता है मटर, उसमें से 2 किलो आया और उसमें से निकल के जो मटर बना वो शायद 1 किलो तक, मतलब 700-800 ग्राम तक किलो तक बनेगा। तो ये सब के साथ एक साथ पकाने के लिए इसमें पानी कम से कम 2 किलो राइस है, कम से कम 3.5 लीटर तक पानी आता है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो हमने हमारी जो अंदाज है, अंदाज के हिसाब से पानी डाला हुआ है इसमें, डालेगा अपना राइस भी सब पक जाएगा और आप लोग अपना हिसाब से डालिएगा पानी। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो जो मसाला राइस है हमारा लगभग 70% पक चुका है, थोड़ा और पकाना बाकी है। तो आज हमारा स्टाफ बोले कि मसाला राइस खाएंगे रात के डिनर पे, तो हम लोग आज मसाला राइस बना दिया स्टाफ के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त रोगन रोगन बना हुआ है, अभी राइस कच्चा है, पकना बाकी है। तो दोस्तों देख सकते हो राइस का डिटेल्स वीडियो आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग भी इसी तरह मसाला राइस घर पर बना लीजिएगा। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो मसाला राइस हमारा पक चुका है, इसको आप ढकना लगा के इसको दम लगा देंगे। आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा डालना घी, लगभग 200 ग्राम तक डालना घी डाल लेंगे इसमें, 200 से 300 ग्राम तक।
पाला घी को हमने सबसे पहले बारीक काट लिया है। सबसे पहले डालना घी को आधा आधा डालना घी हम इसमें डाल देंगे इस तरह। तो डालना घी चला गया राइस पे। अब इसको ढकना लगा देंगे और इसको दम करने छोड़ देंगे, क्योंकि राइस और इसको जो पटेटो हर चीज़ लगभग परफेक्टली पक चुका है, इसको एक दम लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों देख सकते हो खिचड़ी जो है मसाला राइस जो है पक चुका है और बन चुका है, बनकर रेडी भी हो चुका है। अब हम इस पर ढकना लगा देंगे और इसको थोड़ा दम लगा देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हो दोस्तों राइस जो है लगभग पक चुका है, अब ये बाकी जो बचा है ये दम में पक जाएगा दोस्तों। तो आप देख लीजिए, आप लोग भी घर पर इसी तरह दम राइस बना लीजिए, मसाला राइस बना लीजिए, सारे ए टू जेड मसाला डाल दीजिए और हमारे जैसा मसाला राइस बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम दम लगाने के छोड़ देते, ढकना लगा के। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो राइस जो है बहुत बढ़िया से पक चुका है, खिचड़ी राइस बन चुका है ज़बरदस्त। इसको एक बार थोड़ा हिला देते ताकि राइस जो है नीचे गल ना जाए, उसके बाद थोड़ा सा और दम करने के लिए समझ देंगे दोस्तों। तो ये हमारा राइस जो है अब बनकर तैयार हो चुका है, इसको और पकाने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी इसका जो रस है ये अपने आप राइस में खींच लेगा और राइस भी गल जाएगा साथ साथ, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हो खिचड़ी राइस हमारा बन चुका है, मसाला राइस बन चुका है। इसे आप खिचड़ी राइस कहोगे वही मसाला राइस है, ये बहुत ज़बरदस्त खिंच चुका है राइस, ज़्यादा गिल्ला भी नहीं हुआ और आलू भी पक चुका है, राई भी पक चुका है। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा इसको खोल दिया ताकि राइस जो है गिल्ला ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा इसी तरह वीडियो पाने के लिए। आज आप लोगों ने कोई फूड का कोई डिश नहीं बनाया, ऑनली मसाला राइस का वीडियो बनाया। तो देख सकते हो मसाला राइस बनकर तैयार हो चुका है हमारा। तो इसी तरह राइस आप लोग घर पर बना लीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्टफुल होता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो हमारा खिचड़ी बना हुआ है, अभी और एक हमारा सीनियर स्टाफ खाने वाला है और खा के आप बताएगा कि कैसा मसाला राइस बना। तो चलिए सीनियर स्टाफ को दीजिए। तो ये रहा इनके प्लेट्स। हाँ, तो आपको मसाला राइस कैसा लगा, मसाला खिचड़ी कैसा लगा आपको? खूब सुंदर लगा। फिर से बोला, जोर से बोलो थोड़ा। खेते भलो लगे, खूब भलो लगे खेते। ये जो तुम बनाई सुना से कि बोलो तुम्हारे खूब सुंदर लगे खेते। तो हमारे यूट्यूबे जो तो फ्रेंड आछे इधर की बोलवे आपने? तो दोस्तों देख सकते हो ये भाई साहब ने जो स्टाफ राइस का ग्रीन पीस और आलू का
मसाला राइस बनाया, इनको बहुत पसंद आया। जो जैसे कि हमारे गांव पर खिचड़ी राइस होती है, जलसा में होता है, सेम उसे जलसा की जैसा मसाला राइस बनाया हम लोग ने आज, तो इनको बहुत